दिस इज़ नॉट अ ट्रेवल व्लॉग, ये मेरी एक स्टोरी है जो मेरे साथ एक साल पहले हो चुकी है। एट दैट टाइम आई वॉज नॉट अ यूट्यूबर, लेकिन अब आपका भाई यूट्यूबर बन गया, तो मैं कहा यार अगर इस पे एक मैं स्टोरी बनाऊँ तो ये एक अच्छी स्टोरी बन सकती है, तो स्टोरी सुने आप। अच्छा यार, सीन कुछ इस तरह का था, मेरा एक कज़न आया हुआ था इस्लामाबाद से, वो थोड़ा बर्गर टाइप का बच्चा है, उसने कहा यार बाहर खाना खाने जाना है, मैं कहा चले जाते हैं, तो कहता है यार तैयार श्यार हो तो चले जाते हैं, मैं कहा ठीक है तैयार वगैरह हो लो फिर निकल जाते हैं। हाँ ना सी मिलंग जे बंदे असी इसी तरह जुलसा, वो भी तैयार हुआ मैं भी तैयार हुआ, हम निकल गए खाना खाने के लिए। खाना खाने गए हम, बाहर पहुँचे कढ़ाई शढ़ाई मंगवाई, कढ़ाई वगैरह खाई, तो वो भाई इस्लामाबाद से आया हुआ था, उसने कहा यार मैंने कॉफ़ी पीनी है। इस दस इतने कौन कॉफ़ी पीती, इतने लोग चाह पीते नहीं हो। मैं कहा भाई अभी इस टाइम कॉफ़ी पीनी है, कहते हैं हाँ यार मैं तो खाने के बाद कॉफ़ी मेरी मस्त होती है। मैं कहा हाँ भाई तुम बर्गर बच्चे हो तुम्हारी ठीक हो सकती है। खैर कॉफ़ी शॉप पे चले गए, वहाँ पे बर्गर टाइप फैमिलीज बैठी हुई थी पहले से तीन चार, तो उसने मेरे से पूछा भाई क्या पियोगे तुम, मैं बड़ा चौड़ा होके बोला, मैं कहा भाई मैं तो ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगा, हालांकि आपके भाई ने पहली बार नाम सुना हुआ था ब्लैक कॉफ़ी का। उसने कहा ब्लैक कॉफ़ी पीनी है, मैं कहा हाँ भाई मैं ब्लैक कॉफ़ी पीनी है। उसने कहा ठीक है, अपने लिए उसने एक कैपचिनो मंगवाई, मैंने ब्लैक कॉफ़ी मंगवाई। खैर आधे घंटे बाद हमारी कॉफ़ी आई, तो पहले तो भाई 15-20 मिनट मेरी कॉफ़ी ठंडी नहीं हो रही, अपनी कॉफ़ी वगैरह ख़त्म कर गया, वो मेरे मुंह की तरफ देख रहा है, मैं उसके मुंह की तरफ देख रहा हूँ, मेरी कॉफ़ी ठंडी नहीं हो रही। खैर 10-15 मिनट गुजरे तो कॉफ़ी ठंडी हुई, मैंने एक घूंट पिया, भाई कॉफ़ी बड़ी कड़वी सीधे मेरे जाए गले को लगी। अब वो समझ गया कि यार ये कॉफ़ी कहीं पहली बार ही पीने आया, लेकिन मैं इस तरह का प्रिटेंड कर रहा था कि नहीं यार जैसे मैं रोज़ कॉफ़ी पीता हूँ। मैं उसका मुंह देख रहा हूँ, वो मेरा मुंह देख रहा है, मैं इधर उधर देख रहा हूँ, भाई काफ़ी सारी फैमिलीज बैठी हुई थी, मैं सोचने पड़ गया यार अब क्या करूँ, ना यहाँ से उठ के जाने के काबिल ना यहाँ पे बैठने के काबिल, तो मैंने अपना मोबाइल निकाला, मोबाइल यूज़ करने पड़ गया। वो मुझे कह रहा है कि यार जल्दी करो हमने घर पहुँचना है। मैं कहा हाँ यार जल्दी कर रहा हूँ, मैं 2-3 मैसेज करने, मेरे बड़े इंपॉर्टेंट मैसेज हैं। कहता है ठीक है चलो कर लो मैसेज वगैरह कर लो। अच्छा अब मैं 10-15 मिनट गुजर गए, मैं मोबाइल में लगा हूँ, वो मुझे कहता है यार जल्दी करो बहुत लेट हो रहे हैं। मैं कहा यार कर रहा हूँ। इतने भाई मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैं कहा यार मैंने अपने दोस्त को मैसेज किया, मैं कहा मुझे कॉल करो ज़रा जल्दी, एक प्रॉब्लम हो गई है छोटी सी। उसने कॉल कर दी मुझे, मैं फ़ोन उठाया, हाँ हेलो शिजे क्या हो गया भाई प्रॉब्लम है, हाँ चलो मैं 5 मिनट में पहुँचा आपके पास। तो भाई ये बात मैं करके रहा हूँ उसके साथ, तो अब मैं इधर उधर देख रहा हूँ, मैं कहा यार अब इस कॉफ़ी की क्या करूँ। तो मैंने कहा भाई आप एक काम करें, वेटर को मैं बुलाया, मैं कहा विजन आप एक काम करें मैं लेट हो रहा हूँ आप इसको पैक कर दें। तो उसने पैक कर दी कॉफ़ी। खैर मेरा कज़न समझ गया था कि यार इसने कहीं नया नया नाम सुना है, एवं चौड़ा होके बैठ रहे अब। खैर उधर से कॉफ़ी वगैरह पैक करवाई, वहाँ से निकल आए, बाहर निकले तो मेरे से मेरा कज़न पूछता है कि यार क्या मसला हुआ। अब भाई मैं मेरी ये हालत कि मैं अभी उसके साथ कॉल पे बात की, मैं भूल गया कि बात क्या हुई थी। मैं कहा कौन सी प्रॉब्लम, कहते हैं अभी तो मैं दोस्त की कॉल, हाँ मैं कहा हाँ यार वो घर जाते हैं फिर उधर से जाना है उसकी तरफ। तो इस तरह कर करा के ये सीन हुआ था, ये सारी स्टोरी थी। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और यार आप में से 75% ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं, भी सब्सक्राइब वगैरह करो यार, हमें भी सपोर्ट करो भाई, आपका आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, सब्सक्राइब वगैरह करो। और यार इसी साथ मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह।